नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष और आजादी के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। यह पार्टी अपने स्थापना दिवस सन 1925 से आज तक लगातार जनता के मूलभूत सवालों को लेकर सड़क से लेकर सांसद तक संघर्षरत रही है। पार्टी का 24वां राज्य सम्मेलन करवाने का ऐतिहासिक अवसर फतेहपुर जनपद को मिला, जिसकी सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से लगभग 400 चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन दिनांक 23, 24, 25 सितंबर तक चलेगा, जिसकी विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान कई स्कूली बस व एम्बुलेंस भीड़ में फंसी नजर आई। रैली के बाद नगर पंचायत प्रांगण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले छोटे बच्चों ने 1.5 किलो गेहूं एकांकी भी प्रस्तुत की। इसके बाद अन्य नेताजी ने संबोधन शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके मित्र अदानी अंबानी आदि पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान श्री अंजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। इसके आगे हंसते हुए कहा कि जिस प्रकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आपकी उम्र भी बढ़ती रहे, और जिस प्रकार डॉलर के आगे रुपया लुढ़क रहा है, तो सन 2024 में आपकी सरकार भी लुढ़क जाएगी। अंजान इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी के द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि का दर्जा दिए जाने पर भी करारा प्रहार किया। आइए सुने क्या कहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। Thank you.
अगर आप लोगों ने चेत लिया तो योगी जी का खूंटा हिंदुस्तान से उखड़ जाएगा और योगी जी का खूंटा उत्तर प्रदेश से उखड़ जाएगा। अभी इम्तियाज भाई कह रहे थे साथियों विकास की बात ये नहीं करेंगे। मोदी जी तो बेचारे अडानी और अंबानी के मुनीम हैं, वो मुनीम गिरी कर रहे हैं। देश में जितने भी वेयर हाउसेस हैं, एफसीआई के गोदाम हैं, स्टेट वेयर हाउस के गोदाम हैं, सबका सर्वे कराया जा रहा है। कुछ गोदाम तो अडानी को दे दिए गए हैं, कुछ गोदाम को देने की बात चल रही है। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार वो छीनने का काम करते हैं, रोजगार वो छीन चुके हैं, 20% जो बचा है उसको भी छीन। 2024 में ऐसा कौन सा थर्ड फ्रंट या चीज आप लोग लागू करने वाले हैं? कोई फ्रंट नहीं, नीतियों के आधार पर हम करेंगे और अभी हम सब आपको बता देंगे तो करेंगे क्या। एक लास्ट में एक क्वेश्चन है, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी, ये आवारा पशुओं से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? आवारा पशुओं के सवाल को लेकर के हमने इतना बड़ा आंदोलन देश भर में किसानों को किया, हमसे क्यों पूछते हो? देश भर में हमारे खिलाफ तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया कि ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है, हमने थोड़ी कहा है। और आवारा पशु का सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल, किसानों को सस्ती बिजली देने का सवाल, किसानों के कर्ज सहकारी और सरकारी माफ़ करने का सवाल, किसानों को के सभी जो सामान खरीदे जाते हैं उस पर GST हटाने का सवाल, कृषि लागत दर कम करने का सवाल, किसानों के लिए जो है बड़े बड़े शीत भंडार गृह खोलने का सवाल, ये सारे सवाल तो हम उठा के लड़ रहे हैं और फिर लड़ेंगे, फिर घेरेंगे, मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। और देख लीजिए, ये किसान ही थे जिन्होंने 3 काले कानूनों को लेने पर और देश के सामने माफ़ी मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी को विवश किया। निजीकरण से आप कितना संतुष्ट हैं? निजीकरण से संतुष्ट है? अरे वाह, क्या प्रश्न है, असंतुष्टों से संतुष्टि की बात पूछ रहे हैं? जी जी, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के बैंकों को, देश के LIC को, GIC को, देश की सरकारी कमाने वाली कंपनियां 1,40,000 करोड़ हर साल LIC GIC जो है देती है, जिसके चलते ये खागा नगर में ऊपर ओवरहेड टैंक देख रहे हैं ना, जल ही जीवन है, शुद्ध पेयजल किसी टाटा बिरला अंबानी का नहीं बना हुआ है, अडानी का, ये LIC के पैसे से बना हुआ है। और इसको निजीकरण कर दिया जाएगा तो कौन आपको पेयजल पहुंचाएगा? इसलिए हम नवरत्न कंपनियां, सरकार की प्राइवेट जो जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उसके निजीकरण के खिलाफ है और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने जितनी बात कही सब